In this upper primary science class, a teacher has arranged her students into four groups to develop their understanding of floating and sinking. Notice how the teacher asks each group to decide who will take responsibility for different aspects of the task. तो आप लोग समूह में कार्य करेंगे तैरने और डूबने पे, ठीक है? तो आपका ग्रुप है ग्रुप ए. The teacher asks each group to select a leader, and that leader to select a note taker. अपना लीडर चुन लीजिए, ग्रुप डी आप अपना लीडर चुन लीजिए. अभी मैं आपको वस्तुएं दूंगी, पैकेट्स दूंगी वस्तुओं के, उनको आप अनुमान लगाएंगे पहले और फिर करके देखेंगे, ठीक है? और जो समूह में जो लीडर है वो अपना एक लेखक चुन लीजिए जो लिखेगा कि कौन सी वस्तु तैरेगी और कौन सी वस्तु. The teacher explains the note taker should draw three circles labeled float, sink and not sure and list items in each according to the group members' predictions. तैरना और दूसरा गोला बनाएगा जिसमें लिखेगा डूबना. पहले आपको आपस में चर्चा करके ये पता देखना है कि कौन सी तैरेगी और कौन सी डूबेगी, और जिसमें आपको संदेह है जो तैरेगी या डूबेगी वो आप प्रश्न चिन्ह वाले गोले में लिखेंगे. कैसे तैरेगा? क्योंकि इसमें वजन कम है तो ये तैरेगा. पैसा डूबेगा या तैरेगा? डूबेगा. क्यों डूबेगा? क्योंकि इसमें भार ज्यादा है. हल्का होता तो तैरता. और ये चौक तैरेगा या डूबेगा? डूबेगा. क्यों डूबेगा? इसमें भार अधिक है इसलिए डूबेगा. और क्यों डूबेगा? ये तिली तैरेगी या डूबेगी? तैरेगी. क्यों तैरेगी? Group work is a powerful form of active learning. After exchanging their ideas, the groups test their predictions. आप लोग आपस में चर्चा करके एक एक वस्तु डाल के प्रयोग करके देखेंगे कि आपका अनुमान सही था या नहीं था. The teacher asks her students to place a tick or cross next to the items they listed, depending on whether they predicted correctly or not. She also asked them to explain in writing why the objects floated or sank. और क्यों तैर रही हैं? वो आपको दूसरी वाली शीट में लिखना है उनके कारण. ये चम्मच डूब गई. सही है ये भी. हमारा अनुमान सही था. ये डूब गई. अरे यार ये भी तैर रही है. पूरी तैर रही. इसमें भी हमारा अनुमान सही करा. अरे ये तो डूब गया. पहले ये तैरा और फिर ये डूब गया. ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि उसमें ये पानी के मारे वो गल गया, इसलिए वो घुल गया. वो भीतर चला गया पानी के. उसमें बोझ गया, पानी भरा गया, इसलिए वो बाहर आधे. पहले क्यों तैरा था ये बताओ? क्योंकि वो सूखा था इसलिए. और अब क्यों डूब गया? अब उसमें पानी भरा गया, गीला हो गया था वो, इसलिए बाहर अधिक हो गया उसमें, इसलिए पानी के कारण. The lesson ends with a feedback session in which the teacher explores what her students have learnt. In this lesson, roles were assigned within the groups by the students themselves. How often do your students take responsibility for a particular role?